जश्न की तस्वीरें देखिए आप, ये जश्न की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हो। दूसरी तरफ 15 मेंबरी कमेटी की तरफ से क्या कहा गया, कहा गया इस्तीफा नामंजूर किया जाता है, पद पर शरद पवार बने रहें। इसके अलावा जो बड़ी बातें हैं वो आपको हम ग्राफिक जरिए दिखा रहे हैं, कहा कि अपना कार्यकाल शरद पवार पूरा करें। शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया जाता है। तो ये तमाम बड़ी जानकारियां जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार को लेकर 15 मेंबर्स कमेटी की तरफ से जो बातें निकल कर आई हैं, तो दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर में शरद पवार का इस्तीफा जो है उसे नामंजूर कर दिया गया है, और दूसरी तस्वीर में एनसीपी में जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता जो हैं वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। शरद पवार के बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो हैं वो यहाँ पर लेकर वो खड़े हुए हैं। मुस्तफा मेरे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से। मुस्तफा, बड़ा सीधा सवाल है कि जश्न की तस्वीरें अपनी जगह पर, कमेटी ने जो ये इस्तीफा नामंजूर कर दिया है, अब जरा अगर 3-4 दिन की कहानी हम देखते हैं तो इसके पीछे खबर क्या नजर आती है? कमेटी ने जो प्रस्ताव था रेजिग्नेशन दिया क्या? सवाल फिर से दोहराइए। सवाल यही मुस्तफा कि एक तो कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया, लेकिन अब विवाद जहां से शुरू हुआ था और जब ये कहा गया कि आप बहुत बड़े नेता हैं, आपका इस्तीफा नहीं मंजूर कर सकते, हमें नया अध्यक्ष नहीं मिलेगा, तो इन बयानों के मायने क्या निकाले जाएं पूरे घटनाक्रम के? बिल्कुल, अभी भी पूरा जो निर्णय है वो शरद पवार के निश्चय पर निर्भर करता है कि उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया है वो रेजिग्नेशन देने का उनका इरादा क्या अभी भी अटल है, उसी पर आगे क्या होगा, एनसीपी की कार्रवाई क्या होगी, आगे उनका लीडरशिप डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें शरद पवार पर और सिर्फ शरद पवार पर निर्भर है। क्योंकि कमिटी ने उनको ये निर्णय लेके भेजा है कि हम ये चाहते हैं कि आप अध्यक्ष पद पर बने रहे, लेकिन क्या शरद पवार यही चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा। अगर शरद पवार अपना रेजिग्नेशन वापस लेते हैं तो समझिए कि जो बात शुरू हुई थी वो आप कह सकते हैं कि वहीं पर आके खत्म हो गई। लेकिन दूसरा सब बड़े बात यही है कि अगर शरद पवार अटल रहते हैं कि मैं अपना निर्णय नहीं बदलूं, अजीत पवार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव दृश्य अजीत पवार के, अभी अभी जो मीटिंग से बाहर निकले हैं, अजीत पवार पर सारी नजरें हैं। अध्यक्ष पद का निर्णय वापस लेने के बाद अजीत पवार क्या कहते हैं इस विषय पर, उनके ऊपर सबसे ज्यादा निर्णय है। अजीत पवार इस वक्त बात करने से इनकार कर रहे हैं, मीडिया से बच के निकल रहे हैं, लेकिन अजीत पवार ही आप कह सकते हैं कि फोकस में थे। ये कहा जा रहा था कि उन्हीं को कहीं ना कहीं ये विषय चाहिए। अजीत पवार इस वक्त पवार साहब क्या कहना चाहेंगे, रेजिग्नेशन रिजेक्ट कर दिया गया है क्या? अजीत पवार ने किसी भी तरीके का कमेंट देने से आप कह सकते हैं कि अभी अभी यहाँ से निकले हैं और वो किसी भी तरह से उन्होंने मीडिया कमेंट करने से मना कर दिया है। हाँ, एक मिनट करते हैं छगन भुजबल और बाकी वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख, वरिष्ठ नेता जो है वो बात कर रहे हैं इस वक्त। आगे बढ़कर देखते हैं कि बाकी के जो वरिष्ठ नेता है वो क्या कह रहे हैं, हिंदी में जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। यूनानिमसली कमेटी ने यूनानिमसली कमेटी मेंबर ने डिसाइड किया है कि शरद पवार साहब ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहना चाहिए। सर अभी अभी कहां जा रहे हैं? अभी आपके शरद पवार से कमेटी का फैसला शरद पवार साहब को सुनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आ रही है कि शरद पवार को कमेटी का फैसला सुनाने जा रहे हैं। जो यहाँ से वरिष्ठ नेतागण निकले हैं वो जा रहे हैं। पीसी चाको सर हमारे साथ हैं। सर, इट वाज एक्सपेक्टेड डिसीजन, बट विल शरद पवार एक्सेप्ट द डिसीजन? ही विल एक्सेप्ट द डिसीजन। यू आर गोइंग टू स्पीक विद हिम? या अभी कहाँ जा रहे हैं? सिल्वर हो गया, वाईबी चौन कहाँ मिलने वाले सर? दैट आई डोंट नो, बट ही विल एक्सेप्ट द डिसीजन। सो द यूनानिमस डिसीजन? या देयर इज नो अदर फेस फॉर प्रेसिडेंट इन एनसीपी? नो अदर नेम, नो अदर ओपिनियन, इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन एंड मिस्टर पवार विल एक्सेप्ट इट। थैंक यू वेरी मच। पीसी चाको इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि शरद पवार को ये फैसला मानना पड़ेगा, उन्हीं को मनाने के फैसला दिखाने फैसला सुनाने जा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं, ये देखिए जितेंद्र आवाड वहां पर है। प्रफुल्ल सर बात नहीं करेंगे, आगे बात नहीं करेंगे, पवार साहब को फैसला सुनाने जा रहे हैं। भाई मिलना तो पड़ेगा ना, भाई मेरा और हम बाकी सब लोगों का काम यही है कि हमने जो यहाँ रेजोल्यूशन किया, जो हमारे
और वर्करों की और देश के सभी लोगों की जो भावना है उसके आधार पर एक हमने यहाँ रेजोल्यूशन किया। उनको जाकर कहेंगे कि भाई आप प्लीज़ हमारी बात को मानिए और ये आपने ही बनाई हुई समिति जो आपने सभी लोगों को सुझाया था कि भाई इन लोगों ने बैठ के आगे का फैसला करना है, हम सब लोगों का ये यूनानिमस मत। ये आप कह सकते हैं प्रफुल्ल पटेल का कहना था कि जो यूनानिमस डिसीजन है वो यही है कि शरद पवार अपना रिजिग्नेशन वापस ले। साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, अंतिम फैसला जो है शरद पवार पर है, लेकिन दोनों फैसलों के मायने क्या निकाले जाएंगे? अगर शरद पवार इस्तीफा वापस लेते हैं तो क्या जो उनको लेकर बातें हो रही थी प्रेशर पॉलिटिक्स की, वो पार्टी में ताकत की बिखराव के वक्त वो निकल कर आएगी? और अगर नहीं लेते हैं तो इसके मायने क्या निकाले जाएंगे? में सब लोग उनको सामने आकर बताने की कोशिश करें कि नहीं आप ही पार्टी के अध्यक्ष बने रहे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के भीतर पार्टी के विधायक कुछ और सोच रहे हैं जो 2019 के पहले भी हुआ था, तो इसका मतलब साफ क्या निकल कर आएगा? अगर वो इस्तीफा वापस लेते हैं तो वो इस बात को मान चुके हैं कि उन नेताओं को भी बनवा चुके हैं कि देखिए आप जो भी फैसला ले पार्टी की रैंक एंड फाइल, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, पार्टी के लोग ये मेरे साथ में हैं, विधायक भले ही कहीं और चले जाए लेकिन मैं पार्टी का अध्यक्ष और पार्टी मेरे साथ बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो जाने वाले लोग हैं उन पर भी एक तरीके से अंकुश लग सकता है। तो आज की स्थिति में लोकसभा चुनाव में जाने से पहले, विधानसभा चुनाव में जाने से पहले उन्होंने अपनी पार्टी में अपनी बात कितनी चलती है, उनका रुतबा अभी भी मजबूत है क्या, ये एक बार फिर उन्होंने जांच करके देखा है। और आज की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वो इस बात में सक्सेसफुल हुए हैं, इस बात को मनवाने में पार्टी के उन सभी नेताओं से जो कुछ दिन पहले जाकर शरद पवार को कह रहे थे कि हमें बीजेपी के साथ चले जाना चाहिए, बीजेपी के साथ जाएंगे तो पार्टी के विधायक खुश रहेंगे, अगर हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो पार्टी के विधायकों में हलचल है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ा था। तो उन सारे नेताओं से आज शरद पवार ने उसी कार्यालय में इस बात को मनवा लिया है कि नहीं आप ही पार्टी को लीड करिए, आप जो कहेंगे वो मानने को हम तैयार है। तो ये एक अहम बात शरद पवार के सामने आई। अब इसके बाद हो सकता है कि शरद पवार अपना फैसला वापस ले पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात मानते हुए कम से कम एक साल तक पार्टी के। साहिल, न जाने कि मुझे शरद पवार की किताब की वो लाइन याद आ गई जिसमें उद्धव ठाकरे से उन्होंने कहा था कि उन्होंने बिना लड़े ही अपनी बाजी जो है हार गए।